यूपी लोकसभा चुनाव के लिए दूसरा चरण का मतदान जारी है। वहीं इन दिनों गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि हाई कोर्ट से गैंगस्टर के एक मामले में उन पर फैसला आना है। लेकिन इस बीच अफजाल अंसारी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। अफजाल अंसारी ने पहले तो चुनावी मौसम को देखते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और बताया कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जनता अपना मूड बना चुकी है। 88 सीटों पर मतदान चल रहा है, सकुशल संपन्न हो जाए इस तरह की मेरी कामना है, और जनता पूरे देश में मूड बना चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार का पतन निश्चित है, सफाया हो चुका है पहले चरण के 102 सीटों पर, और आज भी शाम रात होते होते, कल सुबह होते होते सारी रिपोर्ट सच्चाई छन के आ जाएगी। अफजाल अंसारी ने कहा कि अब चुनाव कोई पार्टी कोई नेता नहीं लड़ता, जनता जागरूक हो चुकी है, अब चुनाव जनता लड़ती है, उन्हें पता चल गया है क्या सही है क्या गलत, अब तो मोदी के नारे लगने भी बंद हो गए हैं। अब चुनाव पार्टी और पार्टी के नेताओं तक नहीं सीमित रह गया, विपक्षी नेताओं तक क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या मैनिफेस्टो, अब तो जनता खुद चुनाव लड़ने लगी। हम मुखर होके बोल नहीं रही है, लेकिन अंदर से तय कर चुकी है। आप देख लीजिए मोदी जी जहाँ जा रहे हैं, जो लोग नाचने लगते थे चिल्लाने लगते थे मोदी मोदी, सफाया हो गया। सरजू के तट पर ब्राह्मण खड़ा होकर सरजू जल हाथ में लेके सौगंध खा रहा कि भाजपा को हराना है। हरिद्वार में छत्री समाज के लोग गंगा जल हाथ में लेके सौगंध खा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। अहंकार में डूबी हुई सरकार का पतन अब निश्चित हो चुका है। प्रदेश तो प्रदेश, अब कई राज्यों में बीजेपी के चुनाव हारने की बात अफजाल अंसारी ने कही। बोले यूपी में बीजेपी का सपना सपना बनकर रह जाएगा, इस बार बीजेपी को यूपी में 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली। रुझान जब राजस्थान में भी 10 सीट हार रहे हैं, जब गुजरात में भी 5-6 सीटें हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में 15 सीट हार रहे हैं, महाराष्ट्र में जहां 48 में 42 जीते थे पिछली बार, इस बार उनकी दशा 12 सीटों पे आ रही है। बिहार में जहां 40 में 39 ले गए थे, इस बार उनकी दशा 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए। कहां जीतेंगे नरेंद्र मोदी? उत्तर प्रदेश, जहां 80 में 80 का सपना है, आधी सीटें भी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है पिछले स्कूल की। मैं समझ रहा हूं कि पतन नहीं, ठीक से पतन होगा, 150 सीटों के आसपास सिमट जाएगी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए की पूरा गुट मिलकर के भी 150 सीट निकाल लें तो बहुत बढ़िया। इस दौरान ओवैसी द्वारा माफिया मुख्तार को शहीद कहे जाने को अफजाल अंसारी ने सही ठहराया और फिर से सरकार पर उनके भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया, साथ ही मुख्तार अंसारी को शेर बताया। एक मान्यता है कि जिस व्यक्ति को कैद कर लिया जाए और कैद में उस व्यक्ति को जहर देके मार दिया जाए तो उसे शहादत का दर्जा माना जाता है, तो मुख्तार के साथ ऐसा ही हुआ। वो एक शेर था, सामने से अनेकों बार वार हुआ, हमला हुआ, मिटाने और मारने की कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। मारने वाले आए जो वो खुद ही मर गए। तो अब चारा यही था कि उसे कैद कर दिया जाए, शेर को कैद कर लिया गया और उसके बाद उसको जहर देकर के मार दिया गया। तो ये तो गरीब जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि महापाप हुआ।